नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में, जहां हम आपको फिर से कराएंगे कार्तिकेय प्रसाद मंदिर के दर्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। माता द्वारा दिए गए एक श्राप के कारण ही ये सदैव बालक रूप में रहते हैं, परंतु उनके इस बालक स्वरूप का भी एक रहस्य है। इनका एक नाम स्कंद भी है और इन्हें दक्षिण भारत में मुर्गन भी कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय के अधिकतर भक्त तमिल हिंदू हैं। इनकी पूजा मुख्य भारत के दक्षिणी राज्यों और विशेष करके तमिलनाडु में होती है। इसके अतिरिक्त विश्व में श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि में इन्हें पूजा जाता है। भगवान स्कंद के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इन्हें तमिलों के देवता कहकर भी संबोधित किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार प्रथम पूज्य देव होने की प्रतियोगिता में छोटे भाई गणेश के जीत जाने पर गुस्से में भगवान शिव और देवी पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय तपस्या करने क्राउस पर्वत पर चले गए थे। जब उन्हें मनाने के लिए ढूंढते हुए जब शिव पार्वती पहुँचे, तो कुमार कार्तिकेय ने श्राप दिया था कि स्त्री दर्शन करेगी तो 7 जन्म वो विधवा रहेगी। शंकर पार्वती ने आग्रह किया कि कोई ऐसा दिन हो जब आपके दर्शन हो सके। तब कार्तिकेय का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने सिर्फ एक दिन अपने भक्तों को दर्शन के लिए निर्धारित किया। कुमार कार्तिकेय ने कहा कि जन्म के दिन पूर्णिमा को जो दर्शन करेगा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस कारण ही उनके दर्शन साल में एक बार ही होते हैं। पलानी मुर्गन मंदिर डेंडली गुल जिले में स्थित पलानी पहाड़ी तल पर, जिसे थिरु आविनी कुंडी कहा जाता है, जहां देवता को कुजन थाई के रूप में जाना जाता है और देवी लक्ष्मी पवित्र गाय कामधेनु द्वारा पूजा की जाती थी। सूर्य देवता, पृथ्वी देवी और अग्नि देवता अग्नि और सभी की मूर्तियां हैं। उन्हें पलानी पहाड़ी की चोटी पर एक मुर्गन मंदिर में भी, जहां धंड युथापानी मुख्य देवता है, ध्यान की स्थिति में एक कर्मचारी को अपने हाथों में हथियार के रूप में ले जाते हैं। ये वो स्थान है जहां मुर्गन एक देवीय फल को लेकर अपने परिवार के साथ विवाद के बाद रहते हैं। यहां मुख्य देवता 9 खजीनों में मिश्रण से बने हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से नवाबशनम कहा जाता है और संत भोगर द्वारा स्थापित किया गया था। स्वामी लंबाई मुर्गन मंदिर कुंभकोणम से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर एक कृत्रिम पहाड़ी पर बनाया गया है। मंदिर उस घटना की याद दिलाता है जहां मुर्गा ने अपने पिता शिव को प्रणव मंत्र ओम का सार समझाया। स्वामी लाई स्वामी नाथ स्वामी मंदिर भारत में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 250 किलोमीटर दूरी कावेरी नदी एक सहायक नदी के तट पर कुंभकोणम से 5 किलोमीटर दूर मुर्गन को समर्पित स्वामी लाई में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये मंदिर मुर्गन के 6 पवित्र में से एक है, जिसे अड़ुप्ता वेदु कहा जाता है। पीठासीन देवता स्वामी नाथ स्वामी का मंदिर 60 फीट पहाड़ी के ऊपर स्थित है। उनकी मां मीनाक्षी और पिता शिव का मंदिर ढलान पर स्थित है। मंदिर में 3 गोपुरम, 3 परिसर और 60 सीढ़ियां हैं और प्रतीक नाम 60 तमिल वर्षों के नाम पर रखा गया है। मंदिर में सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक विभिन्न समय पर 6 दैनिक अनुष्ठान होते हैं और इसके कैलेंडर पर 3 वार्षिक उत्सव होते हैं। वार्षिक वैकासी विस्कम उत्सव में दूर दूर से हजारों भक्त शामिल होते हैं। हिंदू किंवदंती के अनुसार शिव के पुत्र मुर्गा ने इस स्थान पर अपने पिता को प्रणव मंत्र के अर्थ की प्रशंसा की और इसीलिए स्वामी नाथ स्वामी नाम प्राप्त किया। माना जाता है ये मंदिर 2री शताब्दी ईसा पूर्व से संगम काल से अस्तित्व में है और माना जाता है कि इसे परांतक चोल प्रथम द्वारा संशोधित किया गया था। तिरुचेंदूर मुर्गन मंदिर गंधमदन पर्वतम या के अवशेषों के बीच
तूतीकोरिन के पास समुद्र के किनारे पर स्थित है। मंदिर उस स्थान की याद दिलाता है जहां मुरुगन ने भगवान शिव की पूजा करके राक्षस पर एक निर्णायक जीत हासिल की थी। तिरुचेंदूर मुरुगन मंदिर भारत के तमिलनाडु में स्थित मुरुगन को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का पौराणिक नाम या ऐतिहासिक नाम जयंतीपुरम है। ये मुरुगन के 6 प्रमुख निवासों में से एक है। ये समुद्र के किनारे स्थित 6 पवित्र मंदिर परिसरों में से एकमात्र है। ये भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है और ये भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिर परिसरों में से एक है। ये मंदिर ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला तमिलनाडु का 4th हिंदू मंदिर है। ये भारत के तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के तिरुचेंदूर शहर के पूर्वी छोर पर स्थित है। ये तिरुनेवेली से 60 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, तूतीकोरिन से 40 किलोमीटर और कन्याकुमारी से 75 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये नया वीडियो, जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए मंदिर रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।